मैं अपने थोड़ा सा ऐसा है कि इंडिया में 2024 जनरल इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। एंड क्या है कि सब लोग ना बातें बता रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, वो दे स्टार्ट की वाई इट वेंट रॉन्ग, बट देन दे डोंट टॉक अबाउट द वाइस, ठीक है ना। बिल्कुल भी वाइस की टर्म्स में कोई बात नहीं बताते। मैंने क्या किया कि कम से कम ज़्यादा नहीं, तो शायद मेरे ख्याल से 40-50 वीडियोज़ देखे होंगे मैंने, जो स्टार्ट करते हैं वो टाइटल में लिखा था वाई इट वेंट रॉन्ग या वॉट वेंट रॉन्ग, लेकिन वॉट वेंट रॉन्ग बताने की बजाय सारे फैक्ट्स बताने लग जाते हैं, एनालिसिस नहीं बताते, फैक्ट्स बताने लग जाते हैं कि देखो बिहार सॉरी अपना ये राजस्थान में ये हुआ, हरियाणा में ये हुआ, उत्तर प्रदेश में ये हुआ ऑब्वियसली, एंड क्या नाम है केरला में ये हुआ, पंजाब में ये हुआ, राइट, जहाँ पर सारी सीटें हारी हैं ना भाई बीजेपी, वो सारी गिनाने लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वाई। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मैं उनमें से जो जो रीजन मैंने इकट्ठे किए मैं सारे आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो एक तरह से बस मेरा कोई खुद का पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है, जो जो मैंने सारे वीडियोस देखे मैं सारा एक एक करके बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए। पहला है कि अयोध्या टेम्पल जो सा है वो जनवरी में इन्होंने किया, उसका सारा यूफोरिया खत्म हो चुका था अयोध्या में, एंड उस ये होना चाहिए था काफ़ी लोगों के हिसाब से अप्रैल के अंदर, अगर आपको इसके यूफोरिया को कैच करना था, ठीक है ना, दैट्स वन। दूसरा एक है फंडा के, कहते हैं कि अग्निवीर स्कीम जो सी अब बैकफायर करगी, उतनी वेल एक्सेप्टेड नहीं हुई, उसके अंदर कुछ कमियां रह गई और वो सारा लोग बता रहे हैं, ठीक है, और जो कि वो रीज़न देते हैं राजस्थान और हरियाणा का, ठीक है। एंड एक रीज़न देते हैं कि इन्होंने क्या किया कि अपना दे टुक यूपी फॉर ग्रांटेड, यूपी को ने फॉर ग्रांटेड ले लिया, इनको लगा कि भाई यहाँ तो जीत ही जाएंगे, बुलडोजर बाबा ये वो, और अयोध्या राम मंदिर इतना कुछ किया है तो यूपी के अंदर जीत जाएंगे। मुझे लगता है वहाँ पे इनकी टाइमिंग का बहुत पंगा पड़ा, इन्होंने उसको ठीक तरह से उसको नहीं कर पाए, दे बेसिकली इग्नोर्ड यूपी, ये मुझे ऐसे लगता है, जो इन्होंने मतलब कि सारे लोगों का जो रीजन था उसमें से मैंने देख के थोड़ा अपना भी एक ओपिनियन बनाया, बस वो मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ, बट अदरवाइज मतलब कि फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम अराउंड द वेब, मतलब मेरे अपने कोई खास व्यू नहीं है, बट मुझे थोड़ी बहुत कुछ अपील कर गई है, ठीक है। एंड इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मुस्लिम्स की वोट को बिल्कुल भी वो करने की प्रॉपरली कोशिश नहीं की, इन्होंने बातें की पसमानदा मुस्लिम की, लेकिन पसमानदा मुस्लिम के लिए किया कुछ नहीं। अगर इन्होंने छोटा मोटा कोई इनको यही दे दिया होता कि पसमानदा मुस्लिम को 2000 रुपये महीना देंगे, उसी से फर्क पड़ जाता, ठीक है। तो इन्होंने मुस्लिम लेडीज़ के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने 3 तलाक कराया था लेकिन उसका कोई फॉलोअप नहीं था। अब वो क्या है कि इनको लगा कि वो बस 4 साल पहले जब कर दिया तो बहुत हो गया, लेकिन एक्चुअली जैसे मान लीजिए ये अनाउंस कर देते कि जो लड़कियां ट्रिपल तलाक का शिकार हुई हैं आपसे 4 साल में, उनको 2000 रुपये और उनको 2000 रुपये या 5000 रुपये 10000 रुपये दिए जाएंगे, तो वो एकदम से उस चीज़ को काउंटर कर लेते हैं, राइट। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको बता सकता हूँ कि और जो चीज़ें मैंने नोट की हैं, इन्होंने जो लॉस्ट सीट्स इन अपना दिस थिंग आल्सो, वही इन्होंने मुस्लिम वोट जो है उसको कुछ भी इसको हैंडल नहीं किया, यूपी में भी ऐसी है कोई मुस्लिम वोट को हैंडल नहीं किया। अच्छा, इन्होंने एक और स्टार्ट किया कि भोरा मुस्लिम्स और इस्माइली मुस्लिम्स को मतलब इन्होंने अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी उनके लिए किया नहीं। अगर कुछ कंक्रीट कर देते तो इनके हाथ में उनकी वोट्स आ जाती, दे कुड अनाउंस समथिंग इन लेट्स से अप्रैल या मई में ही, तो ये काफ़ी कुछ हो सकता था, ठीक है। इन्होंने कहा कि इन्होंने बड़े बड़े तौर पे पीओके का बड़ा ज़्यादा चलाया, पीओके का चलाया और प्रोपेगेंडा किया कि ये पीओके लेकर आएंगे, और इन्होंने वो वाकफ बोर्ड का किया कि वो लेकर आएंगे, वो उसको फिनिश उसको कर देंगे, राइट, उसको डिसॉल्व कर देंगे, और यूसीसी लेकर आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उन्होंने उसको इतना ज़्यादा गर्म तो किया पर उसको फाइनल नहीं किया। तो ये भी एक छोटी सी जो चीज़ है, ये एक थोड़ा सा इनके अंदर मतलब कि इनके मेरे को लगता है कि इनके अगेंस्ट गई है, काफ़ी लोगों ने ये रीजंस दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इन लोगों ने बीजेपी वालों ने एनडीए ने राइट इन्होंने इंडिया ब्लॉक को जैसे इन्होंने तोड़ने की जो थोड़ी बहुत ही कोशिश की, जैसे नीतीश कुमार को यहाँ ले आए, दे डिड नॉट ट्राई टू लाइक उनकी तरफ उनको ज़्यादा वो नहीं किया, उनको ज़्यादा टार्निश नहीं की उनकी इमेज, दे जस्ट स्टार्टेड टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है ना, कि कुछ नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पिछले इलेक्शन भी सारे इकट्ठे ही थे, सारे एक साल के चट्टे बट्टे हैं शुरू से ही है। तो इंडिया बनाने से क्या मतलब, तो इन्होंने ज़्यादा उसकी टेंशन नहीं ली, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे ये इनकी स्ट्रैटेजी बैकफायर कर गई, क्योंकि इनको थोड़ा सा लेना चाहिए था, ठीक है ना। तो इन्होंने इस तरह की कुछ रीजंस लोगों ने दिए हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए। मुझे और रीजन देखेंगे तो आपके लिए एक्स्ट्रा वीडियो एक और बना दूंगा। थैंक यू गाइज़।